किसान संगठन और सरकार में 10वें दौर की हुई वार्ता। कृषि कानून पर रोक के लिए तैयार हुई सरकार, प्रस्ताव पर 22 को जवाब देंगे किसान। उत्तराखंड की सियासत में जुबानी जंग जारी। हरक सिंह रावत का अधीश रावत पर हमला, हरदा को बताया फूका और छूटा हुआ कारतूस। महाकुंभ के लिए हरिद्वार में जोरों पर तैयारी, अब अंतिम चरण में कुंभ मेले की तैयारी। मेला अधिकारियों ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। हरिद्वार में दो बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ी महिला, भूमाफियाओं से परेशान होकर उठाया कदम। पुलिस प्रशासन के समझौने पर 2 घंटे बाद उतरी नीचे। राजाजी टाइगर रिजर्व में 3 और बाघों के ट्रांसलेशन की साफ पर साफ, अब कुछ दिन बाद 3 और बाघ क्षेत्र में छोड़े जाएंगे। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदली, मैदानी इलाकों में शीतलहर ने किया बेहाल, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। प्रदेश की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज रानीखेत पहुंची। रानीखेत पहुंचकर उन्होंने KRC स्थित शॉल और उलन फैक्ट्री का उद्घाटन देखे। उन्होंने कहा कि यहां कार्यरत महिलाओं से फिर मुलाकात की, उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उनके कार्यों को सराहना भी की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने वन विश्राम गृह पहुंचकर आजीविका प्रबंधन परियोजना द्वारा निर्मित उत्पादनों को देखा और उनके द्वारा बनाया हुआ केक भी काटा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और ताड़ीखेत ब्लॉक के प्रमुख हीरा रावत ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मैं रानीखेत बहुत पहले आई थी, लगभग 35 साल पहले, तब मैंने ये जो वुलन का उनका वो है रिहैबिलिटेशन सेंटर, तब भी देखा था। तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार इन वीर नारियों का ये देखा जाए और इनसे पूछा भी जाए कि ये यहाँ ठीक हैं कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, कोई बात हो तो बताएं। लेकिन आज मुझे देख के वहाँ बहुत ही अच्छा लगा है कि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो ये कहूंगी, मैंने अभी ये सब भी देखा है, महिला जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष SPS रावत की अध्यक्षता में नैनीताल में महिला मोर्चा नगर इकाई गठित की गई। महिला मोर्चा गठन पर नैनीताल पहुंचे आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष SPS रावत ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही सरकारों में प्रदेश के भोली भाली जनता के साथ छल किया गया है। दोनों ही सरकारों ने एक दूसरे के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम किया है। 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बिजली, पानी, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेगी और राज्य के नए आयाम लिखने के साथ ही उत्तराखंड के शहीदों के सपने को साकार करेगी। कांग्रेस से तो आप जानते हैं कि 9 गुट और 10 मुख हो रखे हैं। कांग्रेस के बारे में तो चिंतन करना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व में, कांग्रेस की हालत आप दिन पर दिन देखे जा रहे हैं। कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सक्रियता से दिल्ली में किए हुए कार्यों पर और नीति नियत ईमानदारी से जिस प्रकार से दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया, उत्तराखंड में पिछले 20 सालों से दोनों पार्टियों ने आपस में मिलजुल करके 5 साल 1, 5 साल 2, एक दूसरे की भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोलते। कहाँ वो 56 घोटाले गए, आप लोगों को सब विदित है, सब चुपचाप बैठे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी आएगी तो निश्चित रूप से एक नया आयाम लिखा जाएगा। निजी दौरे पर परिवार सहित नैनीताल पहुंचे हरिद्वार खानपुर चर्चित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने विश्वविख्यात नैनी झील में नौकायान का आनंद लेने के साथ मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर माथा टेका। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हमारी पहाड़ी राज्य में युवाओं के लिए बेरोजगारी एक समस्या है, जिसे दूर करने के यहां के युवाओं को नैतिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा देनी होगी। इसके लिए गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को लागू करने की मांग सत्र में उठाया जाएगा। वहीं खानपुर विधायक चैंपियन ने पूर्व CM व राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का चेहरा घोषित करने के बयान पर भी चुटकी ली। 3037 7 0 3 7 0 ये मेरा पर्सनल ठीक हो गया व्हाट्सएप भी होगा ना जी। मॉर्निंग आई हूं, कब आया? परसों रात को। अच्छा, फिर उसके बाद का निकाला सर। मैं निकाला एक
किले में चेहरे की सियासत पे जोर देके दो दो जगह से हार तो गए थे, एक मेरे जिले से हारे थे, एक उधम सिंह नगर से हारे थे खटीमा से। वो देखिए रिजेक्ट हो चुके हैं, नैनीताल ने उनको रिजेक्ट किया, हरिद्वार ने रिजेक्ट किया, उधम सिंह नगर ने रिजेक्ट किया, क्योंकि उनकी पॉलिसीज बड़ी ही अनपॉपुलर रही, शॉर्ट साइटेड रही और नेपोटिज्म, घर बार बाद भाई भतीजावाद जो रावत जी के परिवार ने फैलाया, उसका रिएक्शन हुआ कि कांग्रेस बिल्कुल सिमट गई, खत्म हो गई। भाजपा ने सरकार के चार साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस को घेरने का काम किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ सरकार के चार साल में किए गए विकास के कार्यों को गिनाया है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र जोशी ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन विपक्ष बेबुनियाद रूप से हर विषय पर राजनीतिकरण कर रहा है। वहीं भाजपा के आरोपों को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस सरकार में 2017 में जो वादे प्रदेश की जनता से किए गए थे उससे कितने पूरे हुए हैं ये बताएं। उन्होंने कहा कि आज युवाओं से लेकर किसान तक सड़कों पर है। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, और क्या कहा था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। 4 साल हो गए, ना जीरो टॉलरेंस का नारा दिखाई दे रहा है और ना कहीं पर जो है लोकायुक्त दिखाई दे रहा है, ना NH-74 की CBI जांच होती हुई दिखाई दे रही है। और तो और जिस प्रदेश के मुखिया पर हाईकोर्ट ये निर्णय दे दे कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, CBI जांच करे और FIR दर्ज करे। बता सकता हूं कि 2017 में जब हमारी त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनी, त्रिवेंद्र जी ने केंद्र के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा सहयोगात्मक रवैया अपना करके प्रदेश की जन भावनाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए था वो सम्मान त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने किया है, और 4 वर्षों के अंदर इस प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार और भारत सरकार के सहयोग से अभूतपूर्व कार्य हुए। नैनीताल दौरे पर नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने दुग्ध उत्पादन संघ के साथ बैठक की। डेयरी सेक्टर में इस साल 27% वृद्धि दर्ज की गई है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार 10,000 दुधारू पशु 50% छूट से दूध पालकों को देने जा रही है, जिसमें दूध पालक 3 से लेकर 5 दुधारू पशु ले सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को जंगल से चारा लाने के मुक्ति दिलाने के मकसद से सरकार द्वारा 50% की छूट के साथ चारा देने की भी योजना है। आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनको हमें उसके संदर्भ में मार्गदर्शन देना और आगे का रास्ता प्रशस्त करना, इस बात के लिए मंत्री जी हमारे बीच में हैं। डेयरी सेक्टर जो है इस साल 27% ग्रोथ किया है डेयरी सेक्टर ने। कल मैंने डेयरी सेक्टर की बैठक की थी और इस साल हमारी सरकार 10,000 दुधारू पशु जो है अपने दुग्ध पालकों को दे रही है 50% डिस्काउंट में। वो 3 गाय भी ले सकते हैं, 5 गाय भी ले सकते हैं, और लगभग 2,500 लोगों को हम डेयरी सेक्टर से जोड़ रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होकर। खबरों का सारथी, यहां इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है, यहां आम नहीं बबूल उगता है, यहां खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है, चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है, प्यास बदले की प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है बीहड़ के बागी। देखिए
हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुंभ मेला नजदीक आते ही मेले में गतिविधियां तेज हो गई हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेले अधिकारियों एवं बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैरागी क्षेत्र का निरीक्षण किया। बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने बैरागी कैंप में किए जाने वाले कार्यों के बारे में मेला अधिकारी को अवगत कराया। वहीं मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय रहते पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देशन दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कुंभ मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ इस साल हरिद्वार में आयोजित होगा। पावन नदी गंगा में आस्था और मोक्ष की डुबकी लगाने लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और संत हरिद्वार के घाट पर इकट्ठे होंगे। कुंभ मेले में कुल 4 शाही स्नान होंगे। मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय रहते पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर मेला अधिकारी ने नेशनल हाईवे निर्माण का काम कर रहे सैम इंडिया कंपनी के प्लांट को 25 जनवरी तक बैरागी कैंप से हटाए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं प्लांट न हटाए जाने पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी भी मेला अधिकारी ने दी है। इस मौके पर मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि बैरागी कैंप में पारंपरिक जो सुविधाएं चली आ रही हैं, मेला प्रशासन वह सुविधा उपलब्ध कराएगा। सबसे पहले जमीन उबड़ खाबड़ है, उसका समतलीकरण किया जाएगा। बैरागी कैंप में जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, वो सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पर ड्रेसिंग लेवलिंग है, जमीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीजें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। मौके पे कुछ जगह अतिक्रमण है, उनको डिपार्टमेंट्स द्वारा नोटिस भी दिया गया है। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके भी, इनको मैं एंक्रोचमेंट तो नहीं कहूंगा, परमिशंस थी, लेकिन अभी वो वर्तमान में परमिशंस पूरी हो गई हैं। उनको भी मैंने 4-5 दिन का समय दिया है, क्योंकि समय काफी कम है और बहुत सी फैसिलिटीज का वहाँ पे हमें डेवलप करना है। तो कुल मिला के समय रहते हमारा पूरा प्रयास होगा, समय रहते अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम यहाँ पे देंगे। इस मौके पर कुंभ मेले के दिगंबर अड़ी के प्रतिनिधि बाबा हठ योगी ने कहा कि मेले अधिकारी ने उनके साथ बैरागी क्षेत्र में धरातल स्तर पर उतर कर निरीक्षण किया है। यहाँ पर कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं और साथ ही बैरागी क्षेत्र में एक कंपनी का प्लांट भी लगा हुआ है, जिसको मेले अधिकारी ने 2-4 दिन में हटाने के निर्देश दिए हैं। इंक्रोचमेंट भी है, घाटों तक की हुई है, साफ सफाई का है, लेवलीकरण का है और जितना कहता है एक फेर जैसे अपने ये कोई मतलब कंपनी वालों का पड़ा था, उन सबको मेला अधिकारी जी ने अपने धरातल पे जाके, जिसे कहते हैं ना मतलब मौका मुआयना पे जाके उसका निरीक्षण किया। सबको तत्काल यहाँ से हटाने के 1-2 दिन 4 दिन जितना का भी समय दिया और बैरागी कैंप की जितनी भी व्यवस्था है वह है एकदम टॉप हाई फाई करने का हमें आश्वासन दिया और हमारा 15 दिन तक का
दिगंबरणी अखाड़ा, निर्मोहिणी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े, इन तीनों की बाउंड्री गेट ये सब करके हम लोगों को मतलब बनाने के मतलब वो करने के लिए जो जो सरकार से मिलती है वो सुविधा पूर्ण करने का हमें पूरा उन्होंने वादा किया। बता दें कि माघ पूर्णिमा पर 27 जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 20 जनवरी के आसपास इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुंभ मेले की अवधि 2 माह की होगी। 27 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ के दौरान 4 शाही स्नान होंगे। के न्यूज इंडिया के लिए हरिद्वार से ओम प्रयाग की रिपोर्ट। लक्सर में रुड़की रोड का निर्माण न होने की वजह से आने वाली 27 जनवरी को पीडब्ल्यूडी कार्यालय लक्सर की तालाबंदी करने का काम करेगा। राजेश अस्तोगी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लक्सर रुड़की रोड की हालत दयनीय है। वहीं इस संबंध में भाजपा कई तरह की राजनीतिक ड्रामेबाजियां भी कर चुकी है। भाजपा के विधायक भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस सड़क को बनवाने में लगा चुके हैं, मगर उत्तराखंड की प्रदेश सरकार अपने विधायक की एक नहीं सुन रही है। वहीं जब पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो ऐसे विभाग का क्या फायदा। इसलिए कांग्रेस सेवा दल आने वाले 27 जनवरी को लक्सर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय का तालाबंदी करने का काम करेगी। जो निर्माण है ये लक्सर की जनता की आत्मा है और उस आत्मा को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक और सरकार कर रही है। 3.5 वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। 3 बार बजट इनके मंजूर हो चुके हैं, कहाँ इनके बजट है, कहाँ इनका काम है, लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूरी में अब 27 जनवरी को हमने पीडब्ल्यूडी विभाग का तालाबंदी का निर्णय लिया है। आज सुबह लक्सर के कोतवाल को भी इस संबंध में हम मिले थे, कल एसडीएम साहब को भी मिलेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और मल्लीताल के पंत पार्क में केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। वहीं कांग्रेस के कैलाश अधिकारी ने कहा कि बढ़ती महंगाई सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। हमारी मांग है कि सरकार महंगाई को रोके, नहीं तो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आज पुतला दहन हमने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है महंगाई को लेकर, विशेषकर पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस। ये सरकार रसोई गैस में 2 रुपये वृद्धि हुई थी तो इन्होंने कहा था कि हम 2 रुपये कम करेंगे, ये कह के सरकार महंगाई कम करेंगे के नाम पे सरकार पे आई थी। आज महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि सिलेंडर के दाम 730 हो गए हैं और उस डीजल और पेट्रोल 80 हो गया है। इन बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिए हमने इनको मूल वापस लेकर के हमने आज यहाँ पुतला दहन किया। टिहरी जिला कांग्रेस कमेटी नई टिहरी चौराहे पर बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य व केंद्र सरकार का पुतला फूंका। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी राकेश राणा की अध्यक्षता में राज्य में बढ़ती महंगाई के खिलाफ नई टिहरी में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यालय से नई टिहरी चौराहे तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ती महंगाई के चलते कांग्रेसियों ने राज और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार का इस प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में को गर्त में ढकेलने का काम किया है। चौदह में गैस सिलेंडर के दाम 382 रुपए था, आज गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपए होने जा रहे हैं, 900 रुपए हो गए हैं। पेट्रोल में आग लगी हुई है, महंगाई बाजार में चरम पर है, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल और दुश्वार हो गया है। आज हम भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहने का कतई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने साथ न तो बेरोजगारों के साथ न्याय किया, 2 लाख नौजवानों को प्रत्येक साल राज्य सरकार ने वादा किया था कि रोजगार देंगे। केंद्र सरकार ने कहा था कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार दीजिए, केंद्र में 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार में जो नौजवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिनको रोजगार मिला भी था, आज वो भी सड़कों पर है, वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है, जहां पुलिस ने नाबालिग की परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम को गठित कर तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं CO कोटद्वार अनिल जोशी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लड़की है, 3 लड़के हैं, जिसमें से संभवतः एक लड़का भी नाबालिग प्रतीत होता है, उसकी जांच चल रही है। बाकी 2 लड़के बालिग हैं, तीनों के द्वारा उसके साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया, तो जिसके संबंध में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के 2-3 घंटे के अंदर ही तीनों को अरेस्ट भी कर लिया गया। नगर जिले की तहसील क्षेत्र खटीमा में इस्लाम नगर में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक ही परिवार से आधा दर्जन लोगों पूरी तरह घायल हो गए। वहीं पीड़ित घायल महिलाओं ने खटीमा बाजार चौकी में हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने घर में हथियार लेकर घुसकर मारपीट की और हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। खबर हरिद्वार से, जहां एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिसके बाद महिला को नीचे उतारने में पुलिस के पसीने छूट गए। वहीं महिला लगातार टंकी से कूदने की धमकी देती रही। दरअसल महिला ने भूमाफिया और दबंगों से परेशान होकर ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गई। महिला ने भूमाफियाओं पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि महिला ने कई बार मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की है, पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्वांसी लाग मंडल में मार्ग पर एक सड़क हादसे में आज सुबह स्कॉर्पियो सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंचे बचाव दल ने 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश के बागपत और गाजियाबाद निवासी 2 युवक चक्राता करीब 20 किलोमीटर दूर क्वांसी लाखमंडल मार्ग से होकर गुजर रहे थे, तभी वाहन चालक कार अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से होता हुआ करीब 140 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। पुलिस और SDRF ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और 108 के जरिए अस्पताल रेफर कर दिया। भाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गांव में 5 लोगों
की पालतू 9 मुर्गियों की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पशुपालन विभाग की टीम ने मरी हुई मुर्गियों के सैंपल लेकर बर्ड फ्लू के लिए जांच के लिए भेज दिया। बता दें कि देश भर में बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पशुपालन विभाग के क्षेत्र प्रसार अधिकारी जगमोहन कंबोज ने बताया कि मौसम परिवर्तन के चलते मुर्गियों की मौत होना प्रतीत हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के नजर देखते हुए मृतक मुर्गियों के सैंपल बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा जा रहा है, जिसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। इसका सबका सैंपल ले लिया है, जितनी भी मुर्गियां भी पाई गई मरी हुई हैं इनका सैंपल हम लोग लेके भी भेज रहे हैं, तो उससे जो है क्लियर हो जाएगा। और बाकी वैसे इस समय लग नहीं रहा है कि इसमें कोई उस टाइप की बीमारी हो, अभी हम जनरली वैसे बता रहे हैं। और ठंड, मौसम भी ठंडा है, उसकी वजह से भी ये मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी मुर्गियां मरती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।